मेरे नबी पाक दा कलमा पढ़ने वालो मदीना तो रसूल दे अंदर जेड़े वेले बीबी नूं लैके गुलाम आ रहे ने मेरे नबी पाक ने उस बीबी नूं वेख्या चलदिया बीबी करीब आई है गुलाम आने जो चार शफेरे ते नबी पाक दे कोल अज मेरे मुस्तफा ने जेड़े वेले चेहरे वाल वेख्या चेहरे वाल वेख के हजूर ने पहचान लिया मेरे नबी पाक अपनी जगह तो खड़े हो गए हजूर जगह तो खड़े हो गए मेरे नबी पाक दी अखां चो आंसू आ गए नबी पाक दारो किता रोन लग पाए सुनो शेखो पुरियो ध्यान जेड़े वेले मेरे नबी पाक रोए ने गुलामा ने अर्ज की कमली वाले सोने महबूबा रोए क्यों सिर्फ रोए नहीं चादर अपने कंधे इंज उतार के इंज मेरे मुस्तफा ने अपनी पाक मुजम्मल वाली चादर इंज जमीन ते सीधी करके बिछा दी और मैं बीबी इत्थे आके बैठ जाओ सहाबा हैरान हो गए कमली वाले केड़ी खुश नसीब बीबी है जिदे वास्ते पाक मुसम्मल वाली चादर बिछा दी लोग कपड़े मैं पाए इन्हां दी कोई वैल्यू नहीं जेड़े कपड़े दी मैं पगड़ी बननी है इहदी कोई वैल्यू नहीं क्योंकि मैं आम इंसान ते हो सकदा तुहाडे सारिआं तों ज्यादा गुनहगार तिन कम्मां ते अज इनकसार हां लेकिन जेड़ा कपड़ा मेरे नबी दे जिस्म नूं लगा अल्लाह ने कुरान दा हिस्सा बना दिता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुम अल-लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इन्क़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बना दिता हो मेरे बुजुर्गों सरसरा सुनिया जे ध्यान नौजवानों बचो मेरी मां भैनों इस वाक्य ते गौर करना है मेरे नबी पाक ने अपनी पाक मुजम्मल वाली चादर बिछा दी ऐसे जिन्हें भी मुसलमान है जेड़े वेले सहाबा ने अर्ज किया कमली वाले कौन है जिदे वास्ते चादर बिछा दी तारफ ते करो ये कौन खुश नसीब है फरमाया मेरे गुलामो ये मेरी भैन शीमा है हलीमा सादिया की बेटी है लाला कुम तत्ता रोजा दिलां नूं नरम कर दे रोजा दिलां नूं मुहब्बत पैदा कर दे रोजा दिलां दे अंदर झुकाव पैदा कर दे नरमियां पैदा कर दे रिश्तियां दा एहसास पैदा कर दे गरीबां यतीमां मिसकीनां बेवा औरतां ते माड़ियां लोकां दा तरस दे एहसास पैदा कर दे फरमाया हलीमा सादिया दी बेटी है मेरी भैण शीमा है बचपन मैनूं लोहड़ियां दिंदी हुंदी सी इत्थे मैनूं फिर खतीब पेशिया हज़रत मौलाना कारी अब्दुल हफीज़ फैसलाबादी साहब रहमतुल्लाह अलैह याद हलीमा दी लोरना शीमा दी लोरी गणा पूरे बर्रे आजम एशिया दे अंदर पाकिस्तान पंजाब ते दूजियां मुल्कां दे अंदर सुना के मशहूर कर दित्ती कहंदे ने मेरे नबी पाक मेरी भैण शीमा है हलीमा सादिया दी बेटी है जिस मां दा दुध इस बीबी ने पीता उस मां दा दुध मैं मुहम्मद ने पीता हजूर रो रहे ने सहाबा इकराम भी रो रहे ने अपनी चादर भी छाई मेरे नबी पाक खड़े होके इस्तकबाल कर देने इत्थे मैं अपने छुट्टी कर लिया कर सारी जिंदगी काम ही कर लेने जो पता लगे खिलारी अड्डे ते आ गई है जो पता लगे बत्ती चौक आ गई है मोटरसाइकिल जाके बिठा के लिया कर अल्लाह ने गड्डी दी तेरे जाके बिठा के लिया कर जिन्ने दिन रवे प्यार ना रखा कर मुहब्बत ना रहन दिया कर ते जो जरा सुनिया जो ध्यान आए भैन वापस जान लगे ये ना क्या करके इतो मोटरसाइकिल रक्षा मिल जाएगा तो उतो अगो पूरे की बस मिल जाएगी व्याड़ी की बस मिल जाएगी फैसलाबाद की मिल जाएगी मुल्तान की मिल जाएगी बल्कि अपनी मोटरसाइकिल ते बिठा के छड़ के आया करो टिकट लैके दे के आया करो अल्लाह जानता है जरा सुने जो ध्यान आओ जिनी देर गड्डी खड़ी रहे कोल खड़ा गल्ला करता रहा करो हो सकता भैन ना आखिरी मुलाकात हो दोबारा भैन ना मिलना नसीब ना हो सकता भैन आखिरी मुलाकात हो ते जद गड्डी टुन लगे हजार का नोट फड़ा दिया कर आते अंदर भैने आ जाती अपने बच्चों वास्ते चीजा लै जाई जाती अपने बच्चों वास्ते फ्रूट लै जाई जाती अपने बच्चों वास्ते मिठाई लै जाई मैनू पैदा करने वाले की कसम इधरों गड्डी टुरनी है भैन ने दुआ वाले हाथ उठा लेने अल्लाह
मेरे भरा नू किसे दा मोहताज ना करी, अल्लाह मेरे वीर नू किसे दा मोहताज ना करी, अल्लाह मेरे भरा नू इना दे इहदे कोल मुक्के ना शहबरी हो। सुन लो ध्यान लोको, मैं वेख्या जिदे वास्ते भैन दुआ कर दे अल्लाह अरशां दे रंग ला दिंदा है। इन्हों भैन दिया दुआवा लिया करो, इन्होंने भैनों ने मुहब्बत कराया करो। अगो रमजान तो बाद अपने बुजुर्गों ते नौजवानों को कहांगा, जिवें तेरा बाबा तेरिया भैनों वास्ते अपन बेटिया वास्ते ईद लैके पौंदा रहा, उवें अपनी भैन को यतीम भैन को जाई अपनी भैन बाप का प्यार याद ना आने दई। वह यह ना सोचे अगर बाप जिंदा होंदा तो ईदा लैके आंदा, क्योंकि माँ बाप तो बाद वड्डे भरावां नाल ही दुख सुख करना होंदा है भैणा नाल। इतने जिन्हें भी आए जरूर जाइए अपनी भैनों को जिनी कजोगा उ दे के आई। सरा सुनिया जो ध्यान मेरे मदनी करी माका का कलमा बने वालो, मैं वेख्या लोगो भैन अपने घर करोड़पति भी होना भरा ना आते हो, ससा नहीं जे जीन दिनिया, सहरे नहीं जे जीन देंगे, दरानिया जठानिया नहीं जीन दिनिया, तेरे भरा ईद लैके क्यों नहीं आए। तिया दूरना बिया भी वेखी बावला, ईदा लैके कौन आऊगा, रवा तक तक दिल डुब जाऊंगा, ईदा लैके कौन आऊगा, तिया दूरना बिया भी वेखी बावला, ईदा लैके कौन आऊगा, रवा तक तक दिल डुब जाऊंगा, ईदा लैके कौन आऊगा। मेरे बुजुर्गो मेरे वीरो सुन लो ध्यान, मेरे नबी ने मदीने अंदर अपनी रजाई भैन रजात वाली भैन नू गल ना ला लिया। तुसी किन्ने मुसलमान अज मैं अपने माशरे के अंदर वेख्या, मां जाइया ना बोलदा नहीं, बाप जाइया ना बोलदा नहीं, आंदा हिस्सा लेना ते तेरा मेरा जीण मरन मुकाओ, खावद लड़े बेगम नाल मां बाप जिंदा ना अपने भरावान दुख सुख कर लेनी है, ते जे भरा भी इंज दे निकलो ते उन्हें दुख सुख किदे ना करना है। लोगों दिया जद उजड़तिया टुट जांदिया ने पेके, मैं उजड़ी किस पासे जावा सहरे रह ना पेके। सुनो शहपुरियो ध्यान, इत्थे जिन्ने भी आए अपने वीरां ते नौजवानों नूं कहांगा अपनी यतीम भैणां नूं गल ना ला लो, यतीम भैणां नाल मुहब्बत करया करो, यतीम भैन ना प्यार करया करो, अपनिया भैनों दबके ना मारिया करो, अपनिया यतीम भैनों गाला ना कड़िया करो, अपनिया यतीम भैनों मन्ना ना बोलिया करो। वीरो चंद रोजियां पर देसना ने अगले घर सुख नसीबा ना मिलने ने, पता नहीं अगले घर केंद्र मिलने ने। जरा सुनिया जे ध्यान दुआ करया करो, अल्लाह छितियां वालिया नू तियां दे सुख नसीब फरमाओ, भैणा वालिया नू भैणा दे सुख नसीब फरमाओ। ये मैं क्यों कह रहा है, अल्लाह जानदा है 16, 17 साल, 18 साल, 20 साल ते ज्यादा तो ज्यादा 25 साल इन्हां भैणा ने परदे सना तरह चिड़िया तरह तेरे घरों चोग चुगना है, ते अगलिया घरां नू रुखसत हो जाना है, अपने अपने घरां नू रुखसत हो जाना है, फिर अगले दी जात ना मिलना करनगियां। खावन की इजाजत देगा तो बाप के घर आ सकदियां ने, जे खावन की इजाजत नहीं फिर मेरे नबी की शरीयत कहती है बाप के घर भी भैणा नहीं आ सकदियां, बेटियां बाप के घर नहीं आ सकदियां, भैणा भरा के घर नहीं आ सकदियां। मैं क्यों कह रहा, मुहब्बत करो, मैं भी भैणा वाला वा, तुम भी भैणा वाले हो, बेटिया वाले हो। 14 नवंबर को मैं झंग बयान करके आया हूँ, तो मैं बैठक के अंदर बह के खाना खा रहा हूँ, 2.5-3 साल की बची बड़ी सोहनी खेड़ती फिरे बैठक के अंदर। मैं पूछा जी साहब ये तुहाडी पोती है, आंदे ने नहीं मेरी नवासी है, मेरी दोतरी है। मैं क्या इहदा अबू की करदा, परेशान हो गए, आंदे अफसर 2 साल हो गए मेरी बेटी नूं रोस के बैठे हो। मैं क्या चंगे भले समझदार बादशाह ते समझदार हो, क्यों नहीं भेजा ते सुलह क्यों नहीं कराई। आंदे इस बच्ची का बाप शराब पींदा है, ते मैं शर्तां ला दित्तियां ने, अपनी बीवी बेटी नूं छड़ दे या ये भैड़ा कम छड़ दे, अपनी बीवी बेटी नूं छड़ दे या शराब छड़ दे। मैं ते शर्त इस वजह तो भाई कार्ड किया, इस वजह तो कि अपनी बीवी ते बेटी दी मोहब्बत दे अंदर गलत ते गलीज ते गंदा काम ते भैड़ा काम छड़ देगा। आंदा मैं दोवां नू छड़ देवांगा पर शराब नहीं छड़ांगा। मेरे वीरो दुआ करया करो, अल्लाह भैणा नू खुशियां दे, जिन्हां घरां दे जिहड़ियां मेरियां भैणा दुखी ने अल्लाह भैणा नू सुख नसीब फरमाए। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भैणा हुंदियां ने रौनकां बगानियां, साडा कादा जोर बाबला जदों चढ़न भैणा नू जवानियां, वीर दिंदे तोर बाबला उच्चा बोलणियां,
वीर अगे बोलिया लोगो भरा छोटा गए अपनी भैन नु दबका मारो मुकाबले दबका नहीं मार दी कई बार अंदर वड़ के रो लेंदी है अपने बाप नु ही नहीं दस किते मेरे भरा दी बेसी ना हो किते मेरे वीर दी बेसी ना हो नीवी पा के उथे तुर जांदिया जिथे देण तुर बाबला दुखड़ा दिल दा ना किसे नु सुणाउंदिया जिथे देण तुर बाबला पैणा हुंदिया ने दौलतां बगनिया साडा कदा तुर बाबला जदों चढ़न पैणा नु जवनिया मापे दिंदे तुर बाबला उच्चा बोलनिया बाबा लगे बोलिया बेगाने हाथ डोर बाबला नीवी पा के उथे तुर जांदिया जिथे देण तुर बाबला तिया परदेस वे बाबर पुत्रां लई जगीरा दुख सुख सहना ते कुछ ना कहना तिया दिया तकदीरा वीरो मैं सही वालों मेहमान आयो मैं रोज रोज तुहानू वाज करनी आणो मैं रोज रोज तुहानू अल्लाह दा दीन दसणी आणो अपनिया यतीम भैणा नाल नाराज जेते गाणा ला लो अपनिया यतीम भैणा नाल मुहब्बत करो अपने यतीम थे माणिया भरावां नाल प्यार करो वेख मदीने दे अंदर मेरे नबी ने अपनी दुध वाली भैण नूं गाणा ला लिया अज मां जाइयां तो किन्ना दूर होया बैठा है अज बाप जाइयां तो नफरत करदा हूं मेरे नबी ने फरमाया सही मुस्लिम दी रवायत ला यदखुलुल जन्नत कातिर यानी कातिया राही मेरे हजूर फरमांदे ने जेड़ा अपने भैणा भरावां रिश्तेदार चाचिया ता मासिया मैं फुफिया नाल बिला वजह कता तलकी करदा है आना जाना छड़दा है वो बंदा क्यामत दे जन्नत च दाखिल ही नहीं होएगा ला यदखुलुल जन्नत कातिर यानी कातिया रहिम अल्लाह दे नबी फरमा देने वो क्यामत आ जाए जन्नत च दाखिल नहीं आएगा अज वेख लो जरा ध्यान नाल पैणा पैणा ना नाराज भरा भरा ना नहीं बोलदा मौलवी मौलवी ना नहीं बोलदा जिमीदार दा वट बन्ना सांझो जिमीदार जिमीदार ना नहीं बोलदा वकील वकील ना नहीं बोलदा अल्लाह जानदा है चौधरी चौधरी ना नहीं बोलदा कैंडीडेट कैंडीडेट ना नाराज सुनिया जे जरा ध्यान नाल छोटी छोटी गल तो सके भरा लड़ देने दो दो साल नहीं बोल दे रोजा ते तकवा सिखाउंदा है रोजा ते नरमी सिखाउंदा है रोजा ते मुहब्बत सिखाउंदा है रोजा ते दिलां नूं नरम करदा है सकियां भरावां नाल दो दो साल हो गए नहीं बोल दे पाए पाए साल हो गए नहीं बोल दे दस दस साल हो गए नहीं बोल दे कई बाबे बुजुर्ग मरन लगे हो अपनी औलाद नूं वसीयत करके मर देने फलाना मेरी मर्जी नाल ना लगे फलाने मेरे मरण दा टेलीफोन ना करिया जे फलाने नूं थड़े ना चढ़न दिया जे शेखो पुरी ओ सुन लो ध्यान नाल मैनूं ईमान नाल कलमा पढ़ के जवाब दे जिन्हों मरण लग्या भी कुफर दे कलमे याद ने उन्हों कलमा कितों नसीब होना है इतने मेनु अल्लामा मुहम्मद इकबाल याद आयो हम कौन है उंज ते असी बड़ी सीरत बयान कर दे नबी पाक दी उंज ते असी बड़ी सीरत सुन दे नबी पाक दी उंज ते असी बड़ा कहने कि असी दीन वाले आओ असी नबी नाल सच्ची मुहब्बत कर दे आओ अल्लाह नाल सच्चा प्यार कर दे आओ अपने भैणा भरावां तो दूर बिना वजह निक्की निक्की गल तो दूर अल्लामा मुहम्मद इकबाल लिखदा है हम कौन है क्या है बखुदा याद नहीं अपने असला की कोई अदा याद नहीं हमें याद है तो काफर के तरह नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं बिनते हवा को नचाते हैं सरे महफल कितने संग दिल है के रस्मे हया याद नहीं मुझको तो यूं लगता है मुसलमानों हमें सब कुछ तो याद है मगर खुदा याद नहीं।